भाई सभी को राम राम। आज है दादा सूरजमल जयंती, तो आप सभी देख रहे हैं रिंकू जैया। तो हम ब्लॉग बना रहे हैं आज दादा सूरजमल जयंती, उस पे आज हमारे गांव जवा के अंदर आने वाली है सपना चौधरी। और आज तो बहुत सारे लोग रहे हैं, जैसे एनडी जाट, वीरू कटारिया, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अब हम आप चलते हैं वो अड्डे के सरकारी स्कूल पर आ रही, तो अब हम चल के देखते हैं अड्डे के सरकारी स्कूल पर क्या हो रहा है, तो आपको वहीं पर चलकर दिखाएंगे। तो अब रास्ते में देखते हैं अगर कोई दोस्त मिल गया तो। देखो भाई बहुत सारी भीड़ जा रही है, ये भी जा रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हो, क्योंकि सपना चौधरी भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम भी चल रहे हैं आज वहीं पर चलकर, आपको दिखाएंगे कैसी वो है। तो भाई रास्ते में हमको कोई भी दोस्त नहीं मिला है, तो आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि वहीं पर पहुंचने के बाद एंट्री होगी ना जब हमारी, जब हम आपको दिखा देंगे कि कैसा और क्या क्या है वहाँ पे। तो भाई हम ऑलरेडी पहुंचने वाले, बस 2 मिनट का रास्ता और है, बस थोड़ा सा पहुंचने के बाद फिर आपको हम दिखा देंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अभी तो आवाज आ रही है ढोलक की। तो हम गाइस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो ये हमारे यहाँ का मंदिर, तो ये बस आ गई है थोड़ा सा और है। तो भाई यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ही ज्यादा भीड़ हमारे अड्डे के सरकारी स्कूल में। अगर भाई देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आएंगे, ये देखो। तो भाई देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है, गाड़ी से गाड़ी, बाइक से भी बहुत भीड़ है। तो भाई देखो अब हम चल रहे हैं इधर साइड ही, तो आप सभी देख सकते हो क्या क्या, भाई साहब कितनी भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो आप सभी देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है मेरे भाई, वहाँ पर अंदर जाकर पता लगेगा कितनी भीड़ है। तो भाई हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो आप सभी देख सकते हैं पर क्या हो रहा है, ये देखो बाइक, भाई कितनी सारी भीड़ है सभी देख सकते हो। तो भाई अब हम चल रहे हैं अंदर, ये पोस्टर बहुत बड़ा। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पुलिस है, आप सभी देख सकते हो पुलिस, भाई दो जेसीबी इधर साइड के, ये सपना चौधरी के स्वागत करने के लिए। तो भाई देख सकते हो भीड़ का भी कैसे कैसे भीड़ है। तो भाई आप सभी देख सकते हो तो भाई देख सकते हो दोनों तरफ ही बहुत ही ज्यादा भीड़ है इतनी साइड। तो भाई देखो बहुत ही भीड़ है, ये जा रही है लेडीज, भाई भीड़ ही बहुत ज्यादा है, देखो गाड़ी पे गाड़ी, जेंट्स लेडीज बहुत है। तो भाई सपना चौधरी आने वाली है, एंडी जाट को चारे सब ले लिए होने वाली है, तो आने वाली है सपना चौधरी, तो हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो भाई बस सपना का इंतजार, बस वो आने वाली थोड़ी बहुत देर में, कभी भी आ सकते, कोई टाइम नहीं है उसका, लेट हो गए जाम में लग गए ना। तो भाई विनोद भाटी जी तो आ चुके हैं, तो भाई विनोद भाटी जी आ चुके हैं, ये भाई विनोद भाटी जी हमारे, ये रे। ये भाई हमारे विनोद भाटी जी जाने अंदर। तो भाई जेसीबी नीचे हो चुकी है, ये आ गए भाई हमारे विनोद, ये देखो भाई ये चढ़ चुके हैं ऊपर, ये आ गए भाई हमारा दोस्त जेसीबी के ऊपर चढ़ चुका है। और भाई देख सकते हो, भाई एक और गाड़ी है, इसमें देखते हैं कौन है, इसमें से देख सकते हैं। तो भाई विनोद भाटी जी तो आ चुके हैं और धीरे धीरे करके अभी आ रहे हैं। तो भाई ये गाड़ी है, ये अंदर जा रही है, इसमें देखते हैं कौन है। तो भाई रैली आ चुकी है, तो सारी सारे देखो पीछे से आगे कर रही है, तो भाई यहाँ से गाड़ी आगे जा रही है। तो भाई आप सभी देख सकते हो इस गाने में गाने भी हैं। तो भाई सभी ये भी आ चुके हैं और ये भी भाई आप सभी देख सकते हो, तो रैली भी आ चुकी है धीरे धीरे, सब आ
काफी मेरे भाई ये आ चुके हैं। देखो एक पुलिस वाले जो अंकल इनको आ दे रहे हैं कि आगे चेक करो यहाँ पर भीड़ मत लगाओ। तो भाई और भी गाड़ी धीरे धीरे सारी गाड़ी आ रही है उसकी। तो भाई सपना चौधरी आने वाली है, तो आप सब देख लो भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई, पुलिस कंट्रोल। तो भाई ये देखो विनोद बाबू, तो भाई कृष्ण पाल गुजर भी आने वाले हमारे बीच में, उन्होंने फतेहपुर क्रॉस कर दिया। तो भाई आप देख सकते हो कितने यहाँ पे सपना चौधरी ने प्रणाम कर दिया। तो भाई बैठ चुके थे कोई बातें हो रही तो भाई ये भी सपना चौधरी को आप देख सकते हो, ये भी सपना चौधरी को भाई देखो देख लो भाई। तो सब तो भाई देख लो आप सब, तो भाई कृष्ण पाल गुजर भी आ चुके हैं, तो आप देख सकते आने वाले हैं। तो भाई कृष्ण पाल गुजर भी आ चुके हैं, तो भीड़ देखो भाई कितनी भाई साहब, तो भाई भीड़ कितनी है मेरे भाई। कृष्ण पाल गुजर आ चुके, ये देखो भाई कृष्ण पाल गुजर की भाई भीड़ रैली भाई साहब, तो भाई कृष्ण पाल गुजर की रैली, तो भाई भीड़ देखो कृष्ण पाल गुजर के लिए कितनी है भाई साहब। तो भाई कृष्ण पाल गुजर भी आ चुके हैं, तो देखो भाई सब पुलिस उनके साथ है, तो बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड है। तो भाई कृष्ण पाल गुजर की भीड़ ये देखो, तो भाई देखो ये भीड़ कृष्ण पाल गुजर की भी आ चुके हैं भाई, मर्दडीज मैं कृष्ण पाल गुजर भी हो भाई, ये पुलिस वाले अंकल जो उनको पता ही, ये देखो उनके साथ, ये देखो इस वाली कार में कृष्ण पाल गुजर जी भाई मर्दडीज में, देखो इधर साइड चल रहे हैं ये रे भाई कृष्ण पाल गुजर, तो आप सभी देख सकते हो। तो भाई अब हम चल, तो भाई यार कृष्ण पाल गुजर जी, तो आप देख सकते हो कृष्ण पाल गुजर, ये देखो भाई ये आ गए मंत्री जी, ये देखो मंत्री जी उतर चुके हैं। तो भाई आ चुके हैं कृष्ण पाल गुजर भी, तो भाई आ चुके हैं कृष्ण पाल गुजर जी, ये रे भाई कृष्ण पाल गुजर हमारे आज के मुख्य जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो भाई भीड़ देख सकते हो कितनी है भाई, कहते बहुत नहीं है ये कृष्ण पाल गुजर जी आ चुके हैं, ये देखो भाई कृष्ण पाल गुजर ये रे भाई कृष्ण पाल गुजर जी आ रही है। तो भाई भीड़ देखो कितनी हो चुकी है भाई, भाई कृष्ण पाल गुजर जी बड़ी माला पहनाकर मंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय, देखो कितनी बड़ी भाई देखो कितनी बड़ी माला, सरपंच साहब आ जाती है, सूरज पाल जी सरपंच साहब हमारे, गुरदत्त जी विनोद पाटी जी की टीम भाई, हर्षद हमारे, विक्रम जी सभी स्वागत करेंगे अभिनंदन करेंगे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुजर जी का, जिन्होंने वर्तमान सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने, हमारे मनोहर सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने कॉलेज खोलने का काम किया, दल्लापुर में लड़कियों के लिए कॉलेज खोलने का काम किया, दयालपुर में नर्सिंग कॉलेज से इसमें कॉलेज बनाने का काम किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने किया है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज के कार्यक्रम में पहुंचने पर जो कार्यक्रम की उनसे गरिमा बढ़ी है, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अपने स्वतंत्रता सेनानियों से, अपने पराक्रमों से प्रेरणा लें, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सबसे बड़े कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्याला में एक बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जो स्वयं 50 बार रक्तदान कर चुके हैं और युवाओं को लगातार रक्तदान शिविर लगाकर प्रोत्साहित करते रहते हैं। संबोधन शुरू होने से पहले कृपया नीचे काम का।
भाई अब हम आ चुके हैं अपने घर पर। तो तराम और सपना चौधरी, एंडी जाट इन सबको देखकर, तो आपको हमारी ब्लॉग कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।